घुसकर पत्नी के सामने वृद्ध की गोली मारकर हत्या। घटना के वक्त घर में टीवी देख रहा था मृतक बादामशी। घटना को अंजाम देकर हत्यारे फरार। मृतक के परिजनों ने मचा कोहराम। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुरानी रंजिश में खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप। मृतक के परिजनों ने एक नामजद समेत गांव के दो लोगों के खिलाफ दी तहरीर। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के खुजा के हाथ थाना क्षेत्र के गांव धरारी की घटना। ऐसे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पवन। जो ये मृत्यु हुई कौन है आपकी? मेरे पापा जी। कैसे हुई, क्या पूरा मामला? जी पूरा मामला, पापा जी चेयर पे बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, मम्मी जी चाय बना रही थी और मेरा जो बेटा है प्रिंस वो पीछे खेल रहा था। उनसे पूछा गया प्रिंस से कि तुम्हारे बाबा जी कहाँ हैं। दो लोग बाइक से आए और अंदर आकर के गोली मार दी। मम्मी जी घबरा गई, वो जैसे गर्मी में उठे मम्मी जी ने उठा के चारपाई पर डाल दिया। फिर इतने में गांव वाले इकट्ठे हो गए। फिर तो सूचना दी थी आपने पुलिस? जी सूचना सब दी। कितने लोग थे? दो। तो कुछ पुरानी रंजिश कोई क्या? जी सर इस टाइम तो हमारी कोई रंजिश नहीं थी किसी से भी, बहुत ही था हंसना बोलना। पहचानते आप? जी पहचानने में तो आया ही नहीं सर। मम्मी ने तो ये बताया है कि पीछे से दिखा तो डाठा लगा हुआ है, चेक की शर्ट पहनी हुई। किस चीज पाए थे? बाइक।